नमस्कार दोस्तों, एक और वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों अभी हम आ चुके हैं टेर कदम, और यहां पे जिस जगह पे अभी मैं बैठा हुआ हूं, आप देख सकते हैं मेरे पीछे भी यहां पे काफी सॉलिड जगह है, बहुत सारे कदम के पेड़ यहां पे मौजूद हैं। और दोस्तों ये जो जगह है, अगर आप कभी घूमने आए तो नंदगांव जो पड़ता है, नंदगांव से बिल्कुल 1-1.5 किलोमीटर पास में ये जगह पड़ती है। थोड़ा अपोजिट में एक रोड जाता है, वहां पे नंदगांव में आपको एक बोर्ड दिखाई दे जाएगा, वहां से जब टेर कदम आएंगे तो बहुत ही सॉलिड जगह है यहाँ पे। और बताते हैं कि यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी जो है अपनी गैया चराते थे, यहीं पे उनकी गैया चरती थी, दिनचर्या जो है वो यहीं पे बीतती थी। तो इस जगह का पूरा वीडियो आपको मैं दिखाने वाला हूँ। अभी जस्ट कैमरे के पीछे की साइड में यहाँ पे एक तालाब बना हुआ है, उधर साइड में भी बहुत सारी और भी चीजें हैं देखने लायक यहाँ पे, और बहुत सुंदर और शांत एरिया जिसको बोलते हैं ना, जबरदस्त वातावरण यहाँ पे मौजूद है, एकदम छाया है और ठंडी ठंडी हवा आ रही है। तो यहाँ का पूरा वीडियो मैं आपको दिखाने वाला हूँ, बने रहिए मेरे साथ। मैं हूँ विनोद कुमार, आप देख रहे हैं लोकल जर्नी यूट्यूब चैनल। दोस्तों इस वीडियो को अगर आपने लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर करना दोस्तों, और शेयर भी करना, और इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं रोजाना ऐसे ही वीडियो यहाँ पे अपलोड करता रहता हूँ। तो दोस्तों ये है मेन गेट टेर कदम में, जब हम यहाँ पे आएंगे तो यहाँ पे ये इस प्रकार से आपको मेन गेट जो है देखने को मिलेगा, और जब एंट्री अंदर करेंगे तो काफ़ी खूबसूरत नज़ारा यहाँ से आपको देखने को मिलेगा। ऊपर की तरफ आप जो देख रहे हैं टेर कदम, कदम के जो पेड़ होते थे वो पेड़ हैं, और ऐसे यहाँ पे पूरा चौक सा बनाया हुआ है, यहाँ पे लेंटर के पिलर जो होते हैं वो पिलर डाल के बहुत ही शानदार यहाँ पे नज़ारा आपको देखने को मिलेगा। और जब जैसे ही थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे तो यहाँ बाहर निकलने के बाद एक रास्ता अलग से बना हुआ है, यहाँ सामने जो है कुंड है, और यहाँ पे कुंड के बारे में कुछ सूचना दी गई है कि यहाँ पे साबुन से गंदे हाथ पैर धोना मना है, और काफ़ी यहाँ पे इंस्ट्रक्शंस जो होती हैं वो दी गई हैं। और यहाँ साथ में एक बहुत ही खूबसूरत जगह जो बनाई गई, गोचरण इसको बोलते हैं, गोचरण यानी कि जहाँ पे गैया चरती थी वो जगह। और उस समय जो है ना गायों के भी अलग अलग नाम होते थे, जैसे कि धौली, काली, पीली, हरी, नीली, ऐसे नाम ऐसे बुलाते थे। तो यहाँ पे उन गायों की जो है मूर्ति बना के लगाई हुई है, आप देख सकते हैं यहाँ पे उस तरफ भी मूर्ति है, इस तरफ भी मूर्ति है, बहुत ही शानदार यहाँ से नज़ारा है। और जैसे ही इसके आगे थोड़ा सा यहाँ से बढ़ते हैं तो सामने एक ट्यूबवेल है, बहुत ही पुराना सा ट्यूबवेल यहाँ पे लगता है ये देखने में, और इसको कवर किया हुआ है ताकि कोई छेड़े ना, बहुत ही खूबसूरत तरीके से यहाँ पे बनाया गया है और इसको कवर किया हुआ है, कुछ सरकंडे वगैरह जो होते हैं उनका यहाँ पे ऊपर डाला हुआ है इसके ऊपर, ताकि छाया रहे वहाँ पे। और बहुत ही काफ़ी गहरा जंगल टाइप का है यहाँ पे जब आप जाएंगे घूमने। और यहाँ पे आप श्री वन विहारी की जो एक चेयर टाइप की कुछ बनी हुई है यहाँ पे, जहाँ पे सत्संग वगैरह होते थे। और ये कुंड है, कुंड जो आप यहाँ टेर कदम में आएंगे तो यहाँ पे पानी का एक तालाब बना हुआ है, बहुत ही ख़ास बताते हैं ये तालाब, जब भी आप घूमने आओगे बहुत ही आपको आनंद आने वाला है। और साइड से एक रास्ता जा रहा है, ये रास्ता पूरे टेम टेर कदम जो है उसके चारों तरफ घूमता है, और बहुत ही सुंदर सुंदर पेड़ है, काफ़ी हरा भरा एरिया है यहाँ पे। और यही वह स्थान है जहाँ पे श्री कृष्ण और बलराम जो है अपनी गायें चराते थे, काफ़ी शानदार देखने को मिलता है। और ऊपर जो आप देख रहे हैं यहाँ पे, ये टेर कदम के काफ़ी पुराने पेड़ हैं, इसलिए लटक जाते हैं नीचे, तो ये लेंटर के पिलर लगा के ऊपर से यहाँ पे बाँस की बल्लियाँ वगैरह रख के यहाँ पे इनको रोका हुआ है ताकि ये नीचे ना गिर सकें। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करना, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए गुड बाय।